दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों जुड़ जाइए सभी लोग। आज फिर काफ़ी दिनों के बाद मैं अभिनय यादव आपके लिए लेकर आया हूं एक सामान्य विज्ञान या बोले तो पर्यावरण की क्लास। सभी कंपटीशन एग्जाम वाले जिनके पेपर में GS आता है उसमें सामान्य विज्ञान के हैं या UPTET और CTET वाले जिनके पेपर में पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की चर्चा आज हम क्लास में करने वाले हैं। आइए दोस्तों जुड़ जाइए सभी लोग, अपने दोस्तों को जोड़िए। एक चीज़ है कि करियर पॉइंट क्लासेस पे आपको UPTET की भी क्लासेस चल रही हैं और कंपटीशन की क्लासेस भी चल रही हैं। किसी भी कंपटीशन वनडे एग्ज़ाम के लिए क्लासेस चल रही हैं तो आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग अगर मेरे सेशन को मैथ वाले सेशन को जो डेली चलता है एक दिन बाद चलता है, मेरा जो GS का पोर्शन या पर्यावरण की क्लास है हिंदी की क्लास उस सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए, जिससे कि क्या है कि अगर बहुत सारे साथी जुड़ेंगे हम लोगों को हौसला मिलेगा, हम लोग आपके लिए नई नई क्लास नए नए टॉपिक आपको देते रहेंगे। तो आइए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने फेसबुक फ्रेंड व्हाट्सएप फ्रेंड जो भी ग्रुप्स आप चलाते हों शिक्षा से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स आप जिसमें आप जुड़े हों उनमें आप इस सेशन को शेयर करा करिए। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से पता है कि हम लोगों का जो पैटर्न है क्लास का जो पैटर्न है थ्योरी बेस कम अभी प्रश्नोत्तर पे ज़्यादा बात करते हैं, तो आपको विधिवत बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन आता रहेगा। यदि आपको उसका चार ऑप्शन में उसका कोई ऑप्शन क्लियर लग रहा है आप उसको कमेंट करिए, हम लोग हमारी टीम उसका सही या गलत आंसर करेगा। उसके अलावा मेरा जो काम है हम ऑन बोर्ड उसका सही आंसर के साथ साथ उससे संबंधित विभिन्न फैक्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं उससे रिलेशन में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो हम लोगों की प्रश्नोत्तर की क्लास के बेसिक फंडा यही है कि मोस्टली उसका तो आंसर तो पता ही होता है ज़्यादातर लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ जो विश्लेषण होता है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि पेन कॉपी लेके उनसे संबंधित जो फैक्ट हम बोर्ड पे कराते हैं उनको आप अच्छे से नोट करिया करिए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेली की तरह आज की क्लास और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो कोई भी नंबर हो सकता है, रैंडमली इधर उधर रख दिया गया है, लेकिन आपको शुरुआत से आपके बोर्ड पे क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर करेंगे। तो सर क्वेश्चन नंबर 105 लगाइए सर। आप लोगों के लिए यह है कि क्वेश्चन नंबर 105 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया होगा बीविपेरस, मांशल, साकी या विषमपर्णी। बीविपेरस, मांशल या साकी और विषमपर्णी। सबसे पहले तो बात यह है कि आपके दिमाग में जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मरुभूमि का मतलब हो गया मरुस्थली भूमि। तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि मरुस्थली भूमि के जो पौधे हैं वो अधिकतर होते हैं। आप नीचे चार कमेंट कर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार विकल्प हैं, आप अच्छे से कमेंट करिए कि मरुभूमि या मरुस्थली भूमि के जो पादप हैं वो कैसे होते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ कि जो मरुभूमि कहते हैं उन पौधों को ज़ीरोफाइट भी कहा जाता है। ज़ीरोफाइट आप अच्छे से याद करेंगे, पेपर में जरूरी नहीं यहाँ से क्वेश्चन ऐसे होता है, आपने देखा होगा सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ज़ीरोफाइट पौधे कैसे होते हैं, हेलोफाइट पौधे कैसे होते हैं, आपसे कह दिया जाएगा क्रिप्टोफाइट पौधे कैसे होते हैं। तो वे वनस्पतियाँ जो बर्फ़ पर उगे उन्हें क्रिप्टोफाइट कहते हैं, वे वनस्पतियाँ जो लवड़ी भूमि में उगे उन्हें हेलोफाइट कहते हैं, वे वनस्पतियाँ जो मरुस्थली भूमि में उगे उनको हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है इन पौधों की विशेषता क्या होती है। नीचे जो ऑप्शन है आप लोगों ने कमेंट किया होगा इसका सही आंसर बी है। बी बोले तो जैसा कि विकल्प में दिया गया है कि ऐसे पौधे कैसे होंगे, मांशल होंगे। मांशल का मतलब आपको पता है, अगर हिंदी में बात करूं तो मांशल का मतलब होता है स्थूल, मतलब उन पौधों का मरुस्थली भूमि पौधों का या ज़ीरोफाइट पौधों के जो तने होंगे वो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जम जाएगा जिससे वो कैसे हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे या मांशल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा नागफनी जिसे कहते हैं,
नागफनी के पौधे के तने को आप देखो तो वो क्या होता है, थोड़ा गुदगुदा सा स्थूल टाइप का मोटा सा होता है। क्यों मोटा होता है? क्यों? क्योंकि ज़ीरोफाइट कहें या मरुस्थली भूमि कहें, ऐसी भूमि जहाँ पानी की कमी होती है, तो यहाँ उगने वाली वनस्पतियों की ये क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड ये क्वालिटी है, गुण है कि वो अपने तनों के अंदर जल संग्रह कर लेते हैं, इसलिए वो कैसे हो जाते हैं, स्थूल। अर्थात मरुस्थली पौधों के तनों में क्या विशेषता होती है, जल संग्रह करने की क्षमता होती है। जल संग्रह करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, स्थूल हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको सीधा दे दिया, क्या नागफनी, तो इतने में समझ गए होगे। तो जिन लोगों ने आंसर बी किया था उनका बिल्कुल सही है कि मरुस्थली भूमि के पौधे कैसे होते हैं, मांसल होते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से कुछ आपको फैक्ट दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपका ऑलरेडी लगा होगा, उससे आप चीज़ें समझ लीजिए। ये बात तो हमने आपको बता दी। एक चीज़ और, जो ज़ीरोफाइट पौधे होंगे उन पौधों के ऊपर कांटे होते हैं। कांटे क्यों होते हैं, तो इसको आपको पता है, इससे क्वेश्चन एक बनता है, क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं वो अपना रूप बदल लेती हैं, पत्तियां रूप बदल लेती हैं, और पत्तियां रूप बदलती हैं तो किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, कांटों के रूप में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा अगर नहीं लिखा होगा तो हिंदी में कहीं आपको मिलेगा पर्णरंध्र, पर्णरंध्र। तो पर्णरंध्रों का काम ये होता है कि जल के जड़ के द्वारा लिए गए जल को, यही स्टोमेटा उस पानी को वाष्प बनाकर बाहर भेज देते हैं, जिसको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये भूमि तो वो है जहाँ पानी की कमी है, तो जड़ के पास पानी कम आएगा, और अगर स्टोमेटा खुले रहे तो वाष्प बन के पानी निकल जाएगा, जिससे पौधे में पानी की कमी हो जाएगी। तो स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए ये पत्तियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, किस रूप में, कांटों के रूप में। तो एक फैक्ट ये भी समझ लेना, कांटे किसका रूप होते हैं, तो ऑलरेडी किसका रूप होते हैं, पत्तियों का। क्यों? क्योंकि वो मरुस्थली भूमियों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए, स्टोमेटा को बंद करने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इतना फैक्ट आप अच्छे से पढ़ा होगा। और बस एक और मैं नया फैक्ट बताता हूँ, एक पदार्थ आपको मिलेगा जब SSC एग्जाम देते हो वहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, एक पदार्थ का नाम लिखा है जिसका नाम है क्यूटिन। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि वे कौन से पौधे हैं जिसकी पत्तियों में, जिसके तनों में क्यूटिन नामक पदार्थ पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ज़ीरोफाइट। क्यों? क्योंकि क्यूटिन एक ऐसा रसायन है जो किसका काम करता है, जल अवरोधक का कार्य करता है, मतलब पानी को रोकने का कार्य करता है, और पानी को रोकने की जरूरत किन पौधों में पड़ेगी, ज़ीरोफाइट में। तो आपसे पूछा जाए कि ज़ीरोफाइट के तनों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम आप क्या कह देंगे, क्यूटिन। और ये क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है या पानी को रोकता है, तो जल अवरोधक पदार्थ क्यूटिन किन पौधों में पाया जाता है, ज़ीरोफाइट। तो इतना आपके सामने मैंने दे दिया, अगर मरुस्थली पे क्वेश्चन आए मरुस्थली पौधों से तो आपके सामने ये चीज़ें, तने मांसल होंगे, कैसी वनस्पति कहते हैं, ज़ीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नागफनी, कांटे क्यों होते हैं, पत्तियां कांटों में रूप में आ जाती हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें स्टोमेटा को क्लोज करना है। स्टोमेटा से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पानी का परिवहन मतलब जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करता है, स्टोमेटा। और यहीं पे आपसे कह दिया जाए, पौधों के अंदर O2 और CO2, O2 बोले तो ऑक्सीजन पौधा जब बनाता है तो बाहर निकाले, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, पौधा ग्रहण करता है, ये काम भी कौन करता है, स्टोमेटा, इसको हम क्या कहते हैं, पॉडरन। तो क्वेश्चन नंबर एक हो गया, विस्तार थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आंसर बी था। जिन लोगों ने आंसर बी किया है, वेरी गुड, बहुत सही। आइए क्वेश्चन नंबर 105 होने के बाद सर क्वेश्चन नंबर 106 लगाइए। 105 हो गया है, आप 106 लगाओ। 106 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत सरल है, पढ़ के ही आप आंसर करिए, तुरंत अटैक करिए, शायद मैं पहले वाले क्वेश्चन के विश्लेषण में बोल भी गया था। क्वेश्चन नंबर 106 ये कह रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, ऑप्शन है ज़ीरोफाइट,
दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफाइट, तीसरा ऑप्शन है हेलोफाइट और चौथा ऑप्शन है सक्यूलेंट। बताएं आप, पहला क्वेश्चन जब मैं करा रहा था तो मैंने शायद हेलोफाइट बोला भी था। बताइए, नमक युक्त कहें या लवण युक्त कहें, बात एक ही है। लवण युक्त मतलब ऐसी मृदाएं, आपने सुना होगा मृदाओं की जब पढ़ेंगे तो लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा, दोमट मृदा, है ना, बहुत सारी मृदाएं होती हैं। भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी मृदा पाई जाती हैं, इन सब पे विस्तार से चर्चा होने वाली है कभी आगे। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना बता दो कि बे मृदाएं, जैसा कि क्वेश्चन है कि बे मृदाएं जिसमें लवण की बहुतायता है, अधिकता है, तो उसमें जो वनस्पति उगेगी उसको क्या कहेंगे। जीरोफाइट ऑलरेडी बता दिया है, मरुस्थली कहेंगे। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो लगा है, फाइट बोले तो वनस्पति, हाइड्रो मतलब जल में उगने वाली वनस्पतियों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट बचा, तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर जिन लोगों ने सी किया है बिल्कुल सही है। ये क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहीं लिखा हो लवणोद्भिद, या हेलोफाइट, हेलोफाइट। तो हेलोफाइट वे वनस्पतियां जो लवणी मृदाओं में उगती हैं उनको हम कहते हैं। तो 106 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सरल था, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिनका जिनका सही है वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 106 के बाद, सर क्वेश्चन नंबर 106 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 108 लगाओ। 108 प्रश्न नंबर 108 क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आप बताएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है और शायद आप लोग फंस जाएं, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्वेश्चन पता होगा। एपीफाइट्स बे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। वेरी गुड, बे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, एक भोजन के लिए निर्भर होते हैं कुछ पौधे, और कुछ पौधे यांत्रिक सहायता के लिए निर्भर होते हैं। वही ऑप्शन दिए गए हैं, भोजन के लिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक अवलंबन के लिए या यांत्रिक अवलंब के लिए, तीसरा ऑप्शन छाया के लिए और चौथा ऑप्शन जल के लिए। तो बे पौधे बोले तो एपीफाइट, पहली बात तो आपके सामने जो नया लफ्ज आया है एपीफाइट, सबसे पहली बात तो ये है कि एपीफाइट्स किसे कहते हैं, और उनके, और स्वाभाविक है एपीफाइट भी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, बट किसके लिए, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए या जल के लिए, बताएं आप। और मैं आपको एक बात बता दूं, एपीफाइट को जब आप पढ़ रहे हो तो इसको हिंदी में अधिपाद पादप कहते हैं। अब शायद आपको समझ में आए, अभी अधिपाद पादप कहते हैं एपीफाइट को। बताएं ये किसके लिए दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, बताइए, आंसर करिए आप सभी लोग, मैं इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि, चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं आपको, अधिपाद पादप कहें या एपीफाइट कहें, अच्छा ये वे पौधे हैं जो किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जो पौधे स्वयं से भोजन बना लें उनको सपोषी कहते हैं, और जो पौधे स्वयं से भोजन ना बना पाए, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाएं और वो दूसरे का ही भोजन खाएं, उनको विषमपोषी या परपोषी पौधे कहते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं किसी के ऊपर आश्रित होते हैं अपने आश्रय के लिए, उनको सहजीवी पौधे कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो एपीफाइट या अधिपाद पौधा कहा गया है, इसका एक क्या काम है, तो भोजन के लिए तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि भोजन के लिए होता तो सीधा परपोषी या हेटरोटॉप्स लिखा होता। लेकिन यहां जो कहा एपीफाइट, तो अधिपाद को नया टर्म है, इसको मैं समझाता हूं। इसका आंसर तो आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी। और बी में क्या लिखा है, यांत्रिक अवलंब, यांत्रिक अवलंब के लिए। अधिपाद पादप किसी दूसरे पौधे पर आश्रित तो होते हैं, लेकिन किसके लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। मतलब अवलंब ना याद रख पाओ तो यांत्रिक सहारा के लिए, मतलब वो पौधा किसी दूसरे के पौधे के ऊपर उग जाएगा, लेकिन जो पौधा मेन पौधा है उससे कुछ लेगा नहीं, केवल उस पौधे से सहारा ग्रहण करेगा, उस पर रहने, खड़ा होने के लिए सहारा ग्रहण करेगा। और ऐसे पौधों को अधिपाद पादप या एपीफाइट कहते हैं। एपीफाइट से ही पेपर में एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एपीफाइट पौधे क्या, याद रखोगे, एपीफाइट पौधे वे पौधे जो किसी दूसरे पौधे पर आश्रित हैं, बट किसके लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, भोजन के लिए नहीं। भोजन के लिए होते तो विषमपोषी हो जाते हैं, और उसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता है, अमरबेल।
ठीक है, वो भोजन लेता है जिस पौधे के ऊपर है, उसी पौधे का भोजन खा खा के उस पौधे को खत्म कर देता है, बट ये नहीं करता। अच्छा, अब ये थोड़ा नया फैक्ट था, तो जिनका आंसर बी जिन लोगों ने किया है सही है, जिन लोगों ने दूसरे आंसर किए हैं कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूं, समझ लीजिए आप। जो अधिपाद पादप होगा, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और ये हमेशा के लिए याद कर लेना। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा आर्किड, एक पौधे का नाम क्या सुना होगा आर्किड। आर्किड को अगर कहें तो आपसे एक क्वेश्चन इसका मैंने पढ़ाया भी है, सबसे छोटा बीज किस पौधे का सबसे छोटा बीज होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे छोटा बीज वाला पौधा अनावृत बीजी पौधा जिसका नाम क्या है आर्किड। और सबसे बड़े बीज की बात करें तो उस पौधे का नाम है लोडोसिया। लोडोसिया को डबल कोकोनट कहते हैं, वो सबसे बड़ा बीज होता है और ये सबसे छोटा बीज। लेकिन आपको यहां सिर्फ ये पढ़ना है कि जो ये आर्किड मैंने आपको आंसर दिया है ये किसका एग्जांपल है, अधिपाद पौधे के, मतलब ये जो आर्किड है किसी दूसरे के पौधे के ऊपर उग जाता है और उस पौधे से लेता कुछ नहीं है, सिर्फ क्या लेता है, यांत्रिक सहारा ग्रहण करता है। ठीक है, तो समझ जाओगे तो आर्किड कैसा पौधा है, अधिपाद पादप। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताऊं, ऐसे ही पौधों में जब हम थोड़े दिन बाद पौधे के भाग पढ़ेंगे तो पौधे का एक भाग होता है जिसको मूल कहते हैं, अर्थात रूट कहते हैं, अर्थात जड़ कहते हैं। ठीक है, और इस मूल का काम क्या होता है, जल ग्रहण करना। क्या काम होता है, जल ग्रहण करना। अब आपके दिमाग में ये टेंशन होगी कि अधिपाद पादप किसी दूसरे पौधे के ऊपर उग गया है, उसमें भी तो जड़ होगी, अब जड़ जमीन में तो है नहीं, और जमीन में है नहीं तो जल कहाँ से लाएगा। तो खास बात याद रखना, ऐसे पौधे जिनके अंदर कैसी मूल पाई जाती है, इस मूल को भी कहेंगे अधिपाद मूल। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन कर दिया जाए कि आर्किड में कैसी मूल पाई जाती है, तो आर्किड की जो जड़ है वो कैसी, हालांकि जड़ों में जब आप पढ़ते हो अपस्थानिक पढ़ते हो और मूसला जड़ पढ़ते हो, लेकिन उसी में एक और टर्म दे दिया अधिपाद मूल, वो कैसे पौधों में होगा, उसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल कौन होगा, आर्किड। क्यों आर्किड होगा, क्योंकि आर्किड कैसा पौधा है, एपिफाइट। ठीक है, इसको एपिफाइटिक रूट कहेंगे। ठीक है, अच्छा जल का, जड़ का काम होता है जल ग्रहण करना, लेकिन ये मूल तो जड़ जमीन में है ही नहीं, तो जल कहां से ग्रहण करेगी, क्या इसी पौधे से ग्रहण करेगी, अगर इस पौधे से ग्रहण करती तो गलत हो जाता है, यहां तो हम केवल कह रहे हैं वो सहारा ग्रहण करता है, तो जल ये कहां से लेती है, तो ये जो मूल है इनमें एक ऊतक पाया जाता है जिसको कहते हैं बेलामिन ऊतक। बेलामिन ऊतक की खासियत ये है कि ये वातावरण से नमी ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। क्या अधिपाद मूल में जो ऊतक पाए जाते हैं उनको बेलामिन ऊतक कहते हैं, और ये ऊतक वातावरण से नमी को ग्रहण करते हैं। अब देखो सीधी बात समझ लो, एपिफाइटिक पौधे या एपिफाइट पादप में जो मूल पाई जाएगी अधिपाद मूल, ठीक है, और ये मूल क्या करेंगे, बाहर से नमी जो एनवायरमेंटल ह्यूमिडिटी है उसको लेकर काई की पूर्ति करेंगे, जल की। तो समझ गए होगे बात, ये पौधों की जड़ें जमीन में नहीं होती हैं, तो क्वेश्चन बना कि जब जड़ें जमीन में नहीं है तो जल ग्रहण कैसे करेंगे, तो जल ग्रहण करने के लिए एक विशेष ऊतक है इसके अंदर, इसका नाम क्या होता है, बेलामिन ऊतक, जो वातावरणीय नमी को जल में परिवर्तित करके पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया में साथ होते हैं। हाँ, एक चीज और सुनो, इन पौधों में ऑलरेडी क्लोरोफिल पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, तो होते तो स्वपोषी हैं लेकिन आश्रित दूसरे के ऊपर हैं, और वो आश्रित सिर्फ किसके लिए हैं, सहारे के लिए, इसलिए इनको अधिपाद पादप कहते हैं। तो थोड़ा बड़ा हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर जिनने बी किया है बिल्कुल सही है, जिनका गलत हुआ है तो अपना सही कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 108 समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 108 के बाद सर आप क्वेश्चन नंबर 109 लगाओ, तो ठीक हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 109 मैंने आपसे कहा था कि यूपी टेट के साथी लोग जो वीडियो को देख रहे हों, जो क्लास को देख रहे हों, उनके लिए मैंने कहा बिल्कुल पर्यावरण में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चन की चर्चा इस क्लास में हो रही है, इसीलिए सामान्य विज्ञान के साथ साथ आपके सामने पर्यावरण भी डाला गया है। ठीक है, आपको जहां से जो भी मिले नंबर आपको अधिकतर 100, क्योंकि आपको पता है नई शिक्षा नीति आने के बाद हो सकता है टेट के नंबर भी अगले सुपर टेट में जोड़ने की कोशिश की जाए, तो आपको जितने ज़्यादा मार्क आप गेन करेंगे वो आपके लिए हितकर रहेगा। तो आपको सब कुछ पढ़ना है और पर्यावरण के क्वेश्चन सीधे ऐसे ही
आते हैं जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 109 आपकी बोर्ड पर आ गया होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ और आप लोग बताएंगे। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, वेरी गुड, वह उसे अवशोषण, अवशोषण का मतलब ग्रहण करना, निम्न में से, निम्न के माध्यम से करते हैं, भ्रूणी जोन से, बढ़त बिंदु से, दीर्घाकरण जोन से, जड़ों के बालों से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है, आंसर आपको पता हो गया होगा। मतलब कुल मिला के बात सीधी सीधी ये है कि जल पौधे में जो जड़ होती है, जो मूल होती है, जो रूट होती है, वो जल ग्रहण करती है, लेकिन जल ग्रहण कौन करता है, तो जड़ों के बालों से। यहां पे क्या फैक्ट आएगा, तो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी करिए, मैं बताता हूं। यहां पर लिखा है जड़ों के बालों से, और यही इसका सही आंसर है, यही सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है जिन लोगों ने किया है बिल्कुल सही है। हो सकता है जब आप पेपर देने जाओ तो वहां आपको जड़ के बाल ना लिख के क्या लिख दिया जाए, रूट हेयर या बोल दिया गया मूल रोम। तो आप अच्छे से याद कर लो कि पौधे के अंदर जो जड़ होती है, जड़ के ऊपर जो पतली पतले रोमे जैसे लगे होते हैं, उनको हम मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। इनका ही काम होता है, इनका ही मुख्य काम होता है जल अवशोषण। क्या काम होता है, जल अवशोषण। तो पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि पौधे की जो जड़ होती है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो पौधे की जड़ का मुख्य कार्य होता है कि पौधे को सीधा खड़ा रखना, मतलब यांत्रिक सहायता देना। इसके अलावा जो जड़ का मुख्य कार्य है वो क्या है, जल अवशोषण। पेपर को थोड़ा टिपिकल जब किया जाता है तो जड़ भी ऑप्शन में हो, जल अवशोषण का कार्य पौधे में कौन करता है, ऑप्शन में मूल भी दिया है और ऑप्शन में मूल रोम भी दिया है, तो आपको मूल रोम देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर डी करने वाले सभी लोग बिल्कुल सही है। एक फैक्ट मैं यहां पे और बता दूं, जो पौधा जल अवशोषण करता है इसकी सहायता से, वो जल होता कौन सा है, यूपी टेट का पेपर ध्यान करो, जल से एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार पीने योग्य जल, आशुद्ध जल ऐसे करके पूछा गया था, और पूछा गया था पीने वाला जल कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा है यूपी टेट की, आप जब बैक ईयर पेपर उठाएंगे उसमें यह आता है कि पौधा जड़ की सहायता से या मूलरोम की सहायता से कौन सा जल ग्रहण करता है, उसमें चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आर्द्रता ग्राही जल, भूमिगत जल, केशिका जल, उपयुक्त सभी। तो आपको आंसर देना पड़ेगा, पौधे जो जल अवशोषण करते हैं उस जल को कहते हैं केशिका जल। कौन सा जल, केशिका जल। विज्ञान पढ़ोगे तो कैपिलरी पढ़ते हैं, बोले तो केशिकत्व पढ़ते हैं, जल जमीन के अंदर पतली पतली नलिकाओं से नीचे जो पानी भरा है वो ऊपर आता है, और उन्हीं नलिकाओं में जो जल होता है उसको केशिका जल कहते हैं, और इसी जल को ग्रहण करने का काम मूलरोम करता है। तो भू आप जल्दी में आंसर कर जाएंगे कि भूमिगत जल, बेटा जड़ इतनी गहरी नहीं होती है कि 50 फुट नीचे का पानी खींच ले, तो 50 फुट नीचे का पानी कौन लाएगा ऊपर, केशिकाएं लाएंगी, और केशिकाओं के अंदर जो जल होगा भाई इसके पास से गुजरेंगी तो मूलरोम उसको ले लेगा, तो वो उस जल को क्या कहते हैं, केशिका जल। तो पौधे किस जल को ग्रहण करते हैं, केशिका जल से। पौधे जल को ग्रहण किससे करते हैं, मूलरोम से या केवल मूल से, हो जाएगा और समझ गए, या इसी को जड़ों के बाल कहते हैं, आंसर डी हो जाएगा 109 का डी। ठीक, जिन लोगों ने डी किया है बहुत सही। इसके अलावा 109 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 110 लगाओ, तो क्वेश्चन सरल है, बस आप आंसर करते जाइए, और मुझे आशा है, उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसके अलावा आपके लिए जरूरी है, किसी भी पेपर के लिए जरूरी, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे आप किसी यूपीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आगे आने वाले लेखपाल की तैयारी करेंगे, उसमें पर्टिकुलर लेखपाल में पर्टिकुलर एक विषय ही है कृषि, और कृषि में ये पौधों से संबंधित बात होगी, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। तो इसी हिसाब से क्लास चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 110, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 110 आपके बोर्ड पर आ गया होगा, उसमें लिखा है, अरे ये तो बहुत सरल है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हाइड्रोफाइट कहते हैं। पहला क्वेश्चन कराया था, जब दूसरा कराया था वहाँ हाइड्रोफाइट की चर्चा हुई थी, एक सामुद्रिक जानवर को, एक पौधीय रोग को, एक जलीय पौधे को, एक जड़ रहित पौधे को। मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल, हाइड्रो लगा है मतलब जल, और फाइट लगा है तो वनस्पति, वनस्पति को हम पौधा कह सकते हैं, तो हाइड्रोफाइट बोले तो
हाइड्रोफाइट बोले तो जली पौधा। तो 110 क्वेश्चन का आंसर आपका सीधा सीधा क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। जिन लोगों ने बी किया है वेरी गुड, बहुत सही है। और उसके अलावा मैं थोड़ी बात बताता हूँ, देखो क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन सुन लो। जो जली पौधे होते हैं, जली पौधे का मतलब आपको सीधा सीधा पता है कि जली पौधों का संपूर्ण विकास कहाँ होगा, जल में होगा, इसलिए उनको हमने जली पौधा या हाइड्रोफाइट कहा है। ठीक है, एक चीज़ और सुनो, जली पौधों की एक चीज़ और सुन लेना कि जली पौधों के अंदर, ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बनाता हूँ, जली पौधों के अंदर जो कोशिकाएँ होती हैं उन कोशिकाओं में, आपसे एक चीज़ लिख लो, अंतरकोशी का मतलब कोशिकाओं के अंदर जगह होती है, अंतरकोशी स्थान होता है। आपसे क्वेश्चन ये आए कभी कि हाइड्रोफाइट जो वनस्पतियां हैं वो तैरती क्यों हैं, जली पौधा तैरता है क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो तने हैं उनमें गैप होता है, और गैप कब होगा, उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर छोटा सा स्थान होता है जो उन पौधों को तैरने में मदद करती हैं। तो जली पौधों की कोशिकाओं में क्या होता है, अंतरकोशी स्थान ज़्यादा होता है। इस स्थान में भरी होती है क्या, वायु, और जब वायु भरी होगी तो पौधा आसानी से क्या कर लेगा, तैर जाएगा। तो यही जो वायु है वो क्या करती है, इसके तैरने में मदद करती है, तैरने में मदद करती है। क्वेश्चन ये कैसे आएगा, लिखा होगा कि निम्नलिखित में किस पौधों की कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान ज्यादा होता है, और नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे, मरुस्थली, जली, क्रिप्टोफाइट, आपका हेलोफाइट। आंसर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफाइट, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, आप कभी टिशू का चैप्टर पढ़ेंगे तो टिशू बोले तो ऊतक, पादप ऊतक की बात करेंगे, तो आपने नाम सुना होगा मृदु ऊतक, आपने एक नाम सुना होगा मृदु ऊतक, और मृदु ऊतक होते हैं, एक स्थूल कोण ऊतक होते हैं और एक आपके दृढ़ ऊतक, जो कठोरनेस किसी फल में, किसी जैसे नारियल में जो कठोरता ऊपर होती है वो दृढ़ ऊतक होते हैं। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक क्या होते हैं, पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, पौधा ऐसे हवा में झुकता है फिर सीधा हो जाता है, टूटता नहीं है, किसके कारण, स्थूल कोण ऊतक के द्वारा। लेकिन पौधों के अंदर मृद ऊतक जो होते हैं जो पूरे को कवरअप किए होते हैं, लेकिन याद से क्वेश्चन याद रखना कि अगर जली पौधों की बात आए और पूछा जाए जली पौधे जो होते हैं वो तैरते रहते हैं, उनका रीजन एक तो ये हो गया, या इन्हीं पौधों में किन पौधों किन की मृद ऊतक की अधिकता, मृद ऊतक की अधिकता होती है, जो मृद ऊतक मुलायम तो वो क्या करेंगे, इसको तैरने में मदद करेंगे। तो वे कौन से ऊतक हैं जो जली पौधों को तैरने में मदद करते हैं, आंसर मृद ऊतक। जली पौधे तैरते क्यों, क्योंकि उनकी कोशिकाओं के अंदर स्थान ज़्यादा होता है। जली पौधों को कहते क्या हैं, तो आंसर क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। और जली पौधे उगते कहाँ हैं, तो आंसर कहाँ उगते हैं, जल में उगते हैं। तो आपके क्वेश्चन सारे हो गए, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा हो जाएगा। तो इस 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी जिन लोगों ने किया है बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 112 लगाइए सर, क्वेश्चन नंबर 112 जल्दी से पढ़ के तुरंत आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 112 जैसा कि आपके क्वेश्चन नंबर 112 आपको दिख रहा होगा, तुरंत पढ़िए, तुरंत आंसर करिए। भाषा थोड़ी कठिन हो सकती है, समझने का प्रयास करिए, आंसर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 ये बिल्कुल युग्म वाला क्वेश्चन है और ऐसे पेपर में मिलते हैं, आप अच्छे से पढ़िए। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, या कौन सा सुमेल नहीं है, कुछ भी स्वपोषी उत्पादक, स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक, तृणभक्षी, गौण उपभोक्ता। लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, आंसर आ जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या स्वजीवी जो स्वपोषी होते हैं क्या वो उत्पादक होते हैं, ठीक हैं या नहीं। दूसरा, क्या जो परजीवी होते हैं वो क्या उपभोक्ता होते हैं, हाँ या नहीं। मृतोपजीवी समझते हो, मृतोपजीवी को डिकम्पोजर कहते हैं, अपघटक कहते हैं, विबंधक का मतलब तोड़ना, क्या जो मृतोपजीवी होते हैं वो चीज़ों को तोड़ देते हैं, मरी हुई वस्तुओं को ख़त्म कर देते हैं। तृणभक्षी, तृणभक्षी, तृण माने तिनका, तिनका बोले तो घास, जो तृणभक्षी हैं क्या वो गौण उपभोक्ता होते हैं। बस यही चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा गलत है आप ये बताइए जल्दी से। अच्छे से सुनो, यूपी टेट वाले लोग, अगर एक दो लोग अभी लाइव में हैं तो उन्हें अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके पर्यावरण के हर पेपर में हर बार आता है।
एक टॉपिक पढ़ते हैं जिनका नाम होता है खाद्य श्रृंखला, वहां से ये क्वेश्चन है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्टिकुलर उसकी अलग से क्लास चलाएंगे। बाकी जो कंपटीशन एग्जाम वाले हैं उनको भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और हमने क्लास में भी कराया, ऑफलाइन क्लास में भी कराया है। जल्दी से आंसर करें आप। सपोषी उत्पादक या ये कौन सा होता है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका जो आंसर है, देखो कोई अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें, खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई उत्पादक होगा। उत्पादक का मतलब मान लीजिए पौधे, जो पौधे होते हैं वो सबके लिए भोजन का काम करते हैं। जो पौधे होते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात वो क्या हो गए, सपोषी हो गए। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है स्वजीवी। स्वजीवी का मतलब खुद से भोजन, खुद जिंदा रह लें, उनको हम क्या कहें, और ये दूसरों के लिए भोजन बना रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, उत्पादक। सबको ये बात पता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और उस उनका जो प्रोडक्ट है वही हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो जो चीज़ खाता है वो कंज्यूमर बोला जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है, और जो चीज़ बनाता है उसको उत्पादक। तो हम लोगों के लिए भोजन कौन बना रहा है, पौधे। तो पौधे क्या हो गए, फूड चेन में पौधे क्या हो गए, उत्पादक। इसको कोई खाएगा, इस पौधे को कोई खाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस पौधे को कौन खाएगा, बकरी खाएगी। कौन खाएगा, बकरी खाएगी। तो इस पौधे को बकरी ने खाया, मतलब इसने भोजन कहाँ से ग्रहण किया, इसने भोजन बनाया, इसलिए उत्पादक है। इसने खाया तो इसको हम कह देंगे उपभोक्ता। क्या कह देंगे, उपभोक्ता, ठीक है। और कौन सा उपभोक्ता, प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पहला। सीधा पौधे से भोजन कौन लेता है, इस वाली खाद्य श्रृंखला में पौधे को सीधा कौन खा रहा है, बकरी। तो ये कैसी हो गई, प्राथमिक उपभोक्ता। सपोज दैट इस बकरी को एग्जाम्पल के तौर पे किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। इस बकरी को किसने खा लिया, शेर ने। तो शेर ने घास नहीं खाई है, शेर ने सीधा किसको खाया है, बकरी को। तो ये बकरी जो हो गई उसको खा लिया शेर ने। तो ये जो बकरी, अब ये देखो ये प्राथमिक उपभोक्ता थी, अब इसको इसने खा लिया, तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा द्वितीयक। कौन सा उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। बस यहीं से क्वेश्चन का आंसर निकल आया। देखो आप अच्छे से क्या बोला मैंने, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोषी उत्पादक होते हैं तो जो स्वयं भोजन बना लेते हैं वो उत्पादक होते हैं, अर्थात पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, परजीवी उपभोक्ता होते हैं, मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, मतलब ये दूसरे पर आश्रित है, ये इस पर आश्रित थी, तो अर्थात ये उपभोक्ता होते हैं, जैसा कि ऑप्शन कह रहा है, तो ये उपभोक्ता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी अपना भोजन नहीं बना सकता, ये भी क्या है, उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन भी सही है। मृतोपजीवी का मतलब ये शेर अगर मर जाए तो इसको प्रकृति से इसकी जो डेड बॉडी होगी उसको खत्म करने का काम कौन करेंगे, अपघटक लोग या मरी हुई वस्तुओं को खाने वाले लोग, उनको हम क्या कहेंगे, मृतोपजीवी। क्या कहेंगे, मृतोपजीवी। तो जो मृतोपजीवी होते हैं वो क्या कह रहा है, विबंधक। विबंधक का मतलब तोड़ने वाले, इसकी बॉडी को चाहे इसकी बॉडी को इन फ्यूचर जब ये मर जाएंगे खत्म कौन कर देगा, डिकम्पोजर मतलब सूक्ष्म जीव, तो वो विबंधक होते हैं, तोड़ने वाले होते हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया कि तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता होता है। देखो तृण बोले तो घास ये है ना, इसको खाने वाले क्या गौड़ है, नहीं गौ, प्राथमिक तो ये गौड़ होते हैं, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, ये सब जो उपभोक्ता है वो कैसे हैं, गौड़, और ये कैसा है, प्राथमिक। तो तृण भक्षी हमेशा कैसा उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है, गौड़ नहीं, वहां प्राथमिक होना चाहिए। तो जिन लोगों ने 112 क्वेश्चन का ऑप्शन डी किया है वो बिल्कुल सही है, मतलब तृण भक्षी या घास खाने वाले जो उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, ना कि गौड़ उपभोक्ता होंगे। हो जाएगा, अगर यहीं पे शेर को पूछा जाता तो शेर कैसा उपभोक्ता है, गौड़ उपभोक्ता है, डायरेक्ट नहीं खाया इसने, इसको खाया तो गौड़ है। लेकिन सीधा जो घास को खाएगा, चाहे हम लोग गेहूं को मनुष्य खाए तो मनुष्य भी कैसा उपभोक्ता है, गेहूं, इसका गेहूं मनुष्य खाया तो मनुष्य कैसा है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, समझ जाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी था, इसमें आपको अच्छे से समझ गए होंगे। हाँ, ये क्वेश्चन, मृतोपजीवी बे सूक्ष्म जीव जो किसी मरी हुई वस्तुओं पर जीवन यापन करते हैं उनको मृतोपजीवी कहते हैं, या उन्हीं को डिकम्पोजर कहते हैं, या उन्हीं को अपघटक कहते हैं, और इसी को नेचर का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसको, अपघटक को या मृतोपजीवी को, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन 112 का आंसर डी करने वाले बहुत सही, जिन जिन लोगों ने डी किया है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, समझ गए होंगे। ऐसे युग्म वाले क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम में आने लगे हैं, पैटर्न बदल रहा है, तो युग्म से ही क्वेश्चन आते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन हो गए, आइए जल्दी से बात करें क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 लगाइए सर, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अधिकांश कीट जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो श्वसन करते हैं त्वचा से, फेफड़ों से, क्लोम से, बातक तंत्र से। जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट कमेंट करिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। बताइए जो कीट जो श्वसन करते हैं वो किससे करते हैं। तो त्वचा से श्वसन तो मेंढक करता है जब जमीन के अंदर रहता है ना। मेंढक एक उभयचर प्राणी है, जमीन के अंदर होता है, तो त्वचा से और वैसे गिल से। और हम लोग श्वसन, मनुष्य लोग, मानव लोग श्वसन या श्वसन फेफड़ों से करते हैं। तो जैसे मछलियाँ गिल से करती हैं, ऐसे क्वेश्चन पड़े होंगे। तो जो कीट हैं वो अधिकांशतः श्वसन किससे करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। अगर आप लोगों ने डी किया है, मतलब कौन से तंत्र से? बातक तंत्र से। बातक तंत्र से। तो कीटों में क्या पाया जाता है श्वसन के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? बातक यंत्र या बातक तंत्र। ठीक है, इसमें क्या होती है? पतली पतली वायु नालिका होती हैं, पतली पतली वायु नालिका होती हैं। वायु नालिका से मिलके एक तंत्र बनता है जिसको हम बातक तंत्र कहते हैं। वायु नालिका ना लिखा मिले तो कहीं आपको ट्रैकी लिखा मिलेगा। ट्रैकीज पाई जाती हैं किसके अंदर? कीटों के अंदर ट्रैकीज की उपलब्धता होती है, जिससे वो पतली पतली वायु नालिका की तरह दिखती हैं, जिसमें वायु का आदान प्रदान होता है, और वही जो सिस्टम मेंटेन करती हैं उसको हम बातक तंत्र कहते हैं। तो कीटों में श्वसन किससे होता है? हो जाएगा, कीटों में श्वसन बातक तंत्र से होता है। क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग कमेंट करके बताना कि कीटों का जो बाहरी कवच है, आपने कीड़ों के ऊपर, कीटों के ऊपर हार्ड देखा होगा कवच, वो किसका बना होता है? कमेंट बॉक्स में हमसे पढ़ने वाले लोग आंसर करेंगे, जो लोग बाहरी लोग देख रहे हैं वो भी आंसर करें। क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं कि कीटों का बाहरी आवरण किसका बना होता है, कमेंट करिए, मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 115 हो जाने के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है, जल्दी से पढ़ के जल्दी से कमेंट करें। और वो क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि कीटों का बाह आवरण किस चीज का बना होता है, कीटों के ऊपर जो आवरण होता है उसको बाह कंकाल कहते हैं, वो किस चीज का बना होता है, आप कमेंट करना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 119 आपकी स्क्रीन पर, सरल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन चाहे पर्यावरण का है या किसी भी एग्जाम में बनते हैं। सेव के फल में लाली का कारण है, सेव का फल लाल किस कारण होता है? ऑप्शन है एंथोसाइनिन, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपीन, तीसरा ऑप्शन है कैरोटीन, चौथा ऑप्शन है जेंटोफिल। ठीक है, मैं एक चीज आपको यहां बताऊं, आप आंसर करिए, हम पूछ रहे हैं सेव, सेव कैसा लाल दिखता है, कश्मीरी सेव लाल दिखता है, उसका रीजन क्या है? आपके चार ऑप्शन है, आप कमेंट करिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि पौधों के अंदर कोशिका में हरित लवक नहीं, क्या कहें, लवक पाए जाते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, वर्डी लवक, अवर्डी लवक एंड हरित लवक। हरित लवक की बात करें तो क्लोरोफिल, अवर्डी लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता है वो कहें जड़ के अंदर पाए जाते हैं, जहां सूर्य का प्रकाश, पौधों के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां अवर्डी लवक पाए जाते हैं। लेकिन पौधे की पत्तियों में रंग हरा क्लोरोफिल के कारण, लेकिन फूल में पीला रंग, गुलाबी रंग, लाल रंग, फलों में रंग, जो रंग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो कौन सा लवक होता है? तो आप अच्छे से याद रखना कि फलों और पत्तियों में जो लवक पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्डी लवक। वर्ड मतलब रंग, लवक प्लास्टिड बोलते हैं ना, तो ये रंग देते हैं, वही रंग वाली जो चीज है जो सेव को लाल करती है, उसका आप कमेंट करो और बताओ। तो सेव का रंग लाल होता है, आप लोगों ने शायद आंसर किया होगा आंसर नंबर ए। सेव का रंग लाल जो करता है उसका नाम है, उस रसायन, उस बर्डी लवक का नाम है एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइन। अच्छे से याद कर लेना, कोई भी बनडे एग्जाम देने वाले लोग या यूपी टेट में पर्यावरण का पेपर देने वाले लोग, इन वाले क्वेश्चन को आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। लेकिन सेव का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। तो एंथोसाइनिन एक प्रकार का क्या है? वर्डी लवक है, जो फलों में, फूलों में लाल रंग देने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब सेव मैंने करा दिया है, सेव के साथ साथ आपसे पूछ दिया जाए, गाजर का रंग भी लाल होता है, वो भी किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। इसके अलावा नासिक का प्याज देखा होगा, महाराष्ट्र के नासिक से जो प्याज आता है वो भी खूब लाल कलर का होता है, थोड़ा डार्क लाल, तो वो कौन सा
एंथोशाइन। तो सेव का रंग लाल, गाजर का रंग लाल एंड प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोशाइन के कारण होता है। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना। यहां पे एक चीज ऑप्शन दिया है सी, कैरोटीन। तो कैरोटीन से आप याद रखेंगे, अगर कहीं कैरोटीन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैरोटीन जो रंग देता है वो बेटा पीला रंग देता है। किसका? पीला रंग देता है। तो आपसे पूछा जाए दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैरोटीन। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन। एक गाजर होती है जिसको नारंगी रंग होता है, गाजर में नारंगी रंग, गाजर, गाजर में नारंगी रंग देने का भी काम कौन करता है? तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। लेकिन गाजर में लाल रंग का काम कौन करता है? एंथोसाइन। ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे। लाइकोपिन इसमें दिया गया, ऑलरेडी मैंने लाइकोपिन आपको बता दिया है कि लाइकोपिन क्या करता है? टमाटर को लाल रंग देता है। हो जाएगा, समझ जाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, प्याज। क्वेश्चन ये है कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि प्याज काटने पर आंसू आने का कारण क्या है। कौन सी चीज़ प्याज काटने पर आंसू निकलवा देती है? प्याज काटो तो आंसू निकलते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर जल्दी से बताना, मैं पढ़ के कल बताऊंगा कि किसका आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में आपको दिखना चाहिए कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं। लेकिन एंथोसाइनिन अब बर्डी लवक है और जो क्या करता है, फलों में, फूलों में, इन सब में रंग देने का काम करता है। और कैसा रंग? लाल। तो सेव का लाल रंग पूछा गया, आपका आंसर सही है। जिन लोगों ने ये किया है, ऑफलाइन बैच में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, जो लोग वो लोग वीडियो देख रहे हों, क्लास देख रहे हों, तो अपना तुरंत आंसर किया करें। क्वेश्चन नंबर 119 हो गया, बस आप लोग सहयोग बनाए रखें, आप लोग क्लास में आते रहें तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों का और मन रहता है कि क्लास पढ़ाने का। कम संख्या देखकर क्लास पढ़ाने का मन कम होता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 119 के बाद क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 लगाइए सर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर आ गया, अरे टमाटर का लाल रंग का कारण है, अभी बताए हैं टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 120, टमाटर के लाल रंग का कारण कैप्सिसिन, लाइकोपिन, जेंथोफिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताया हुआ है तो इसका आंसर आप लोगों ने कर भी दिया होगा, और मैं इसको जल्दी से करता हूं। आंसर नंबर बी, लाइकोपिन। बस खास बात याद रखना, टमाटर लाल पूछा गया है, टमाटर लाल पूछा गया है तो कारण लाइकोपिन होगा। गाजर, प्याज एंड सेव लाल पूछा गया है, सेव के साथ आलू भी लाल हो जाता है। आलू, सेव, गाजर एंड प्याज, एंथोसाइनिन, बट टमाटर लाल, लाइकोपिन, ठीक है। कभी किसी क्लास में छोटे से वीडियो में सबका बता दूंगा अलग अलग, जैसे मिर्च में कसैलापन, बादाम में कड़वाहट, अरबी में चरपराहट, सलजम में चरपराहट, प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं, क्वेश्चन दिया। मैं किसी एक क्लास में, पर्टिकुलर क्लास में सब कुछ करा दूंगा, लेकिन अभी जितनी जानकारी आपको है तो अपनी जानकारी यहाँ कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। बाकी जो भी पता है आप उसको लिख के बता सकते हैं। लेकिन टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। टमाटर से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, टमाटर में आपसे अम्ल पूछ दिया जाए, टमाटर में आपसे अम्ल, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप अच्छे से याद होगा आपको, नहीं तो जिन्हें नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है कपड़ों पर, कपड़ों से जंग के दाग हटाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का क्या प्रयोग होता है? कपड़ों पे जो जंग और स्याही के दाग पड़ जाते हैं उसको हटाने के लिए कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल मुख्यतः पाया किसमें जाता है? टमाटर में। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन। और टमाटर में जल कितना होता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, टमाटर में जल 90% होता है। अच्छा, फसलों में रोग से क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा कि अगर टमाटर की खेती आपने देखी हो तो टमाटर फट जाता है, बाजार में बिकते हुए टमाटर के ढेर में आप देखो, कोई कोई टमाटर चटका हुआ रखा रहता है, उसको फटा हुआ होता है। तो क्वेश्चन बने कि टमाटर जो फट जाते हैं, टमाटर को फटने का कारण क्या है, तो याद रखना वो कौन सी कमी है, वो कौन सा तत्व है जिसकी कमी से टमाटर फट जाता है, तो बोरान की कमी। याद रखेंगे, जैसे आप यूपीटेट वाले लोग पर्यावरण में ध्यान से सुनो,
धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है ना, अच्छे से क्वेश्चन याद किया होगा। बिल्कुल वैसे ही टमाटर फटने का कारण क्या होता है, बोरान की कमी। टमाटर फटने का कारण क्या होता है, बोरान की कमी। हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। इसमें ऑप्शन था जैंथोफिल। अच्छा, जैंथोफिल जो है, जैंथोफिल पीला रंग देता है, हो जाएगा। और इसके अलावा आपका कैप्सेसिन, कैप्सेसिन जो एक ऑप्शन पहला दिया गया वो मिर्च का तीखापन। कैप्सेसिन का जो पहला ऑप्शन है, कैप्सेसिन से पूछा गया क्या करता है, तो जो मिर्च जो होती है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन। मिर्च तीखी होती है ना, उसके लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, कैप्सेसिन। ठीक है, तीखी मिर्च। और एक पूछा जाए, मिर्च की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है, ज्वाला। तो आपसे कहा जाए ज्वाला किसकी प्रजाति है, तो आप कह देंगे मिर्च की, क्योंकि मिर्च तीखी है, मुंह से एकदम गर्मी निकलने लगती है, तो ज्वाला से रिलेट कर लेना। मिर्च की एक प्रजाति है जिसका नाम है ज्वाला, और मिर्च में जो तीखापन है, सबसे तीखी प्रजाति कौन सी है, ज्वाला। और मिर्च का तीखापन है वो किसके कारण, कैप्सेसिन के कारण। और टमाटर वाला मैंने ऑलरेडी करा दिया है। जिन लोगों ने 120 क्वेश्चन का आंसर बी किया है, बिल्कुल सही है उनका। तो आइए जल्दी से ये खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 121 जैसा कि आपके बोर्ड पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 121 ये कह रहा है, मैं पढ़ के बता, पपीते का पीले रंग का कारण क्या है, पपेन, लाइकोपिन। लाइकोपिन तो हो ही नहीं सकता, टमाटर का हो गया, लेकिन हमने अभी कैरोटीन कराया था, दूध और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन था, और पपेन तो पपीते से मिलने वाला एक पदार्थ है जिसको पपेन कहते हैं। तो इसका भी आंसर 121 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 121 का आंसर सी, जिन लोगों ने आंसर सी 121 का किया है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं 121 बोले तो कैरिका जैंथिन एक पदार्थ पाया जाता है किसमें, पपीते में। और जो पदार्थ पपीते को क्या करता है, पीला, पपीते के पीले रंग का कारण क्या है, कैरिका जैंथिन। लेकिन दूध और गाजर, दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन है, लेकिन पपीते के पीले रंग का कारण क्या है, कैरिका जैंथिन। मैं यहां से एक चीज और बता दूं, पपीते का अगर आपसे वानस्पतिक नाम पूछा जाए तो कैरिका पपाया होता है, इसी से याद कर लो। एक क्लू मिल गया तो मैंने बता दिया। क्या आपसे पूछा, ये भी क्वेश्चन आता है, किसी पौधे के वानस्पतिक नाम का नाम बताइए, तो पपीते का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया होता है। क्या होता है, कैरिका पपाया। और उसी से याद रखो, यहां भी कैरिका, जो पका हुआ पपीता होगा उसमें जो पीलापन होगा वो कैरिका जैंथिन, और पपीते का बॉटिकल नेम तो कैरिका पपाया। कोई दिक्कत नहीं, जो पका हुआ पपीता होता है वो पीला हो जाता है, और जो पीला फल होगा, एग्जाम्पल उसका बेस्ट कौन सा है, पपीता, उसमें जो विटामिन सबसे अधिक पाई जाएगी, कौन सी, विटामिन ए जो आँखों के लिए, रतौंधी के लिए, इसका नाम रेटिनॉल होता है, वो उसका प्रचुर स्रोत क्या है। तो या तो ऑप्शन में आपको मछली मिलेगा, विटामिन ए का उत्तम स्रोत क्या है, या तो ऑप्शन में मछली मिलेगा, या फिर पीला फल मिलेगा, या फिर पीले फल में कौन सा मिल जाएगा, पपीता। पीला फल संतरा भी होता है, लेकिन उसमें विटामिन सी होती है क्योंकि वो खट्टा होता है। तो पीले फलों में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है, पपीता में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है, पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है, और पपीता में पीलेपन का कारण कैरिका जैंथिन है, कैरिका जैंथिन है। यहां तक कोई समस्या। इसी में एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो पपेन लिखा है, ये क्वेश्चन आया, एसएससी वाले पूछते हैं कि पपेन क्या है, तो पपेन बोले तो आपने जो पपीता तोड़ा होगा तो उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ निकलता है, किसी पौधे के जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको लेटेक्स कहते हैं, तो पपीते के लेटेक्स से जो एक पदार्थ मिलता है उसको हम पपेन कहते हैं। तो पपेन किससे प्राप्त किया जाता है, पपीते से, और वो क्या होता है, लेटेक्स। नहीं कहते हैं पौधे में दूध, तो वही लेटेक्स, ठीक है, जैसे रबड़ में दूध होता है वो भी लेटेक्स, तो पपीते का जो लेटेक्स है उससे एक पदार्थ बनाते हैं पपेन। तो इसमें पहला ऑप्शन शायद, हाँ, पहला ऑप्शन पपेन था, तो पपीते से मिलने वाला पदार्थ पपेन, और पपीते से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के आज की क्लास में हम लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं, और इन क्वेश्चन का जो विश्लेषण किया है वो भी आपको अच्छे से समझ गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आती है तो आप शेयर जरूर करिए, पढ़ने के बाद शेयर करिए, कमेंट करिए,
लाइक करिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से उनको जोड़ने का प्रयास करिए, संख्या बढ़ाइए। हम लोग आपके लिए नई नई क्लास विधिवत डेली लाएंगे। बाकी जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपकी सलाह हो, कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है, आप उसको प्रेषित करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी आगे किसी क्लास में। शुभ रात्रि।